आज के समय में थायराइड ने एक गंभीर बीमारी का रूप ले लिया है। दरअसल थायराइड दो टाइप्स के होते हैं, एक जिसमें इंसान मोटापे का शिकार हो जाता है, दूसरा जिसमें शरीर एकदम सूख सा जाता है, यानी दुबला पतला होता चला जाता है। ये बीमारी थायराइड ग्लैंड की वजह से होती है। वैसे आपको बता दें कि इस हार्मोन का काम है शरीर में मेटाबॉलिज्म तेज करना, वहीं इससे बॉडी सेल्स भी कंट्रोल हो जाते हैं। ऐसे में इसके कम या ज्यादा होने पर व्यक्ति मोटापा या दुबलेपन का शिकार हो जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, कई बार लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या हमारे फेस पर आए पिंपल्स भी इसी के लक्षण हैं? चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका। देखिए, जब भी आपकी बॉडी को थायराइड होना शुरू हो जाता है तो कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली स्किन की बात करें तो इसमें सबसे पहले आंखों में बदलाव दिखाई देता है। जी हाँ, थायराइड के लक्षण पहचानने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि अगर आपकी आंखें उभरी हुई हैं तो ये थायराइड के कुछ गंभीर लक्षणों में से एक है। इसे एक्सक्लोफोरोमस कहा जाता है। ये हाइपरथायरॉयडिज्म का कारण होता है। दरअसल ये हमारे आंखों के आसपास की मांसपेशियों और दूसरे टिश्यूज पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से आंखों में सूजन आ जाती है, जिससे आंखें उभरी हुई नजर आती हैं। वहीं दूसरा है त्वचा पर पपड़ी पड़ना। देखिए, अगर आपकी स्किन पर पपड़ी पड़ने लगी है या फिर त्वचा पर हल्के धब्बे हो रहे हैं तो भी ये थायराइड के लक्षणों में से एक है। जब थायराइड ग्लैंड का प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा होने लगता है तो इसके कारण मेलानिन बढ़ता है, जिससे त्वचा का रंग गहरा होने लगता है। साथ ही त्वचा में कोलेजन की कमी होने लगती है और हमारी स्किन फटने लगती है। वहीं डार्क सर्कल्स और दाग धब्बे, देखिए जब आपकी स्किन कठोर महसूस होने लगे तो ये थायराइडिस की बीमारी हो सकती है। ये बीमारी खराब मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई है, इसलिए इसमें आपके चेहरे की कंडीशन बिगड़ जाती है, जिसके कारण आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और धब्बेदार स्किन नजर आने लगती है। बहरहाल, इन सभी के अलावा आपको आपकी स्किन पर, यानी कि स्पेसिफिकली फेस पर, बहुत सारे पिंपल्स और एक्ने भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको भी ये सभी लक्षण अपनी स्किन पर दिखाई देते हैं तो जल्दी से जल्द जाकर आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करवा लीजिए और अपना चेकअप भी जरूर करवा लीजिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।